उनके हिसाब से तो ओके है कि हर बाइक देखो कुछ ना कुछ कमियों के साथ आएगी, इसमें भी कुछ है। So everyone, what is up? Welcome back to my YouTube channel and to another bike review video. तो आज लेंगे ownership review इस bike का, और ये bike है अपने भाई की। भाई एक बार नाम बता दो और बता दो कि कौन से ईयर की ये मॉडल है। So basically my name is Piyush और मैं ओन करता हूँ currently 2018 मॉडल Duke 390। This is currently BS4 मॉडल है ये, जो अभी नया इंजन जो KTM ने निकाला BS6 में ये वो नहीं है। So ये आपकी थोड़ी जाती है रॉ पावर के अंदर में। और जैसे मैं बताता हूँ मेरा स्पेसिफिक रीज़न, जब इस बाइक को मैंने ये 1.5 साल से ओन कर रहा हूँ, और 1.5 साल से ओन करते हुए मेरा जो इसको लेने का रीज़न था जस्ट ये था कि BS6 से ऊपर की इसमें पावर ज़्यादा थी। बेसिकली इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, 2018 मॉडल है, तो आपने क्या बाद में सेकंड हैंड ली थी या क्या सीन था? ये प्री ओन लिया मैंने। और ये तब कितनी चली हुई थी और अब कितनी चली हुई है? ये जब मैंने ली थी 9,800 किलोमीटर और अभी 14,800 किलोमीटर चली हुई है। तो मेन बात तो ये है कि मैं बाइक के बारे में पूछने वाला था, पर उससे पहले जब सेकंड हैंड लिया है तो उसका पूछ लेते हैं कि रीसेल वैल्यू कैसी है इस बाइक की। भाई जिस प्राइस पर ये ओनर ने ली थी उस हिसाब से तो उसने मेरे को बहुत कम प्राइस पर सेल की थी, और मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में कि अगर मैं बाइक को सेल करने निकलता हूँ तो उसमें तो मेरी कुछ इतनी वैल्यू बाइक को मिलेगी नहीं बाइक। और दिमाग में ऐसा क्या था कि कौन से ऑप्शन थे कि यही बाइक लेने गए थे मार्केट में, या और भी कोई ऑप्शन थे इस सेगमेंट में लेनी है, क्या था वो पूरा सीन बताओ। देखो अब मैं आपको सबसे बड़ी जो ड्यूक का फैन मैं जब बना था मैं आपको वो स्टोरी बता देता हूँ। याद होगा अगर सबको कि 2012 में ना वरुण धवन की पिक्चर आई थी मैं तेरे हीरो, उसमें ड्यूक आई थी, मैं वहां से इस बाइक का फैन बन गया था। और जब करंटली जब ये वाली फेस आया था बाइक का 17 में, तो जब तो ये हो गया था कंफर्म कि भाई अब तो ये बाइक लाइफ में एक ना एक बार ओन करनी है। पर जब मैं मार्केट में निकला था मैंने ऑप्शंस और भी देखे, मेरे पास बेनेली 600 आई थी बजट में मेरे, और एक ये थी, और मेरा एक ऑप्शन था डोमिनार का भी। अच्छा मतलब आप ये वाला सेगमेंट या फिर इससे ऊपर का ही देख रहे थे? हाँ, मेन बात ये है मेरा 400cc था कि मिनिमम उतने चाहिए ही चाहिए। और इससे पहले आप क्या चलाते जो इस पे शिफ्ट हुए? इससे पहले मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ओन करता था। अच्छा तो उसको चलाने के बाद तो मतलब जमीन आसमान का अंतर दिखा होगा इस बाइक में और उस बाइक में। भाई टू बी ऑनेस्ट कहूँ 2 महीने तक है ना मैं सिर्फ इस बाइक को सीख रहा था। अभी भी मैं बताता हूँ मैं आज भी इस बाइक की पूरी पोटेंशियल को अच्छे से यूज नहीं कर पाता हूँ, पर जब तो ऐसा था कि मेरे को डर लगता था इसका थ्रोटल खोलने में। ब्रूटल बहुत है, बहुत ज्यादा ब्रूटल। अपने सेगमेंट में अगर मैं थोड़ी सी इन्फो दूं तो अपने सेगमेंट में बहुत ज्यादा ब्रूटल बाइक है 390cc। आप किसी से भी मार्केट में पूछोगे कौन सी बाइक, भाई नेकेड कैटेगरी में सबसे ब्रूटल बाइक है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक बार एक बंदे ने मेरे को बोला था कि इस बाइक को चलाना तो पहले गियर में बहुत एकदम से खड़ी हो जाती है एक टायर पे, तो मैंने बहुत संभल के चलाई थी। और बताओ अपना मतलब अभी तक का कैसा सफर रहा है इस बाइक के साथ, कितनी आपने चला ली? मैंने इसको अराउंड एंड अराउंड वही 4000 किलोमीटर चलाया 1.5 साल में, क्योंकि मेरे को ऐसे बाइक को कोई यूज नहीं है। ये जस्ट कह सकते हो आपकी एक शौक में खरीदी हुई चीज है, रनिंग मेरी डेली स्कूटी वगैरह भी रहती है। अच्छा तो मतलब आप इसको सिर्फ संडे राइड्स और ये जो स्पेशल डेज होते हैं उन पे ही निकालते हो? अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो उसके लिए, नहीं तो बस बाइक का मेरे पास कोई यूज नहीं होता है। और बहुत चीजें अट्रैक्ट की थी मेरे को ये बाइक खरीदते टाइम। एक तो सबसे ज्यादा जो लोग तारीफ करते हैं इसकी हेडलाइट्स की, कि भाई लाइट आती है उसमें लाइट आती है, बट अगर मैं एक 390 का ओनरशिप रिव्यू दूं ऑनेस्ट, ये लाइट्स आपकी इस सेगमेंट छोड़ो 200cc भी उठा लो, इवन स्प्लेंडर वाला थ्रो है इस लाइट का। हाँ क्योंकि मेरे को लग ही रहा है इन्होंने ये क्या बोलते हैं इसका मिनी एच जी, मिनी तो वो मिनी ड्राइव तो वो लगवा रखी है लाइट। और बताओ बाइक के बारे में थोड़ा सा मतलब, और क्या मतलब एकदम आप खुश हो जब से आपने लिए? देखो बाइक में अब कोई भी बाइक परफेक्ट तो होती नहीं है, बट जितना मैंने इस बाइक को सीखा है कि हर बाइक देखो कुछ ना कुछ कमियों के साथ आएगी, इसमें भी कुछ है, बट जिस लेवल की ये पावर और जो फन मेरे को देती है मैं उसके साथ इसकी सारे नेगेटिव्स के साथ भी खुश हूँ। एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मान लो किसी आदमी को, हमारे किसी व्यूअर को, वो सोच रहा है ये बाइक लेने का या इस सेगमेंट की, और उसका मन है कि KTM पे ही मन जा रहा है, बजट उसका पूरा है मतलब खरीदने का, और वो है कि सिटी में चलानी है और खींचनी भी है, तो उस हिसाब से मतलब माइलेज वगैरह क्या है और राइडिंग पोस्चर क्या है कि मतलब अच्छे तरीके से चला सकता है आदमी कंफर्टेबल होके? बताऊं तो आपको 390 सिटी उसके लिए तो थोड़ी ओवर हो जाएगी,
अगर किसको जैसे पता है किसी को कि मेरे को हाईवे पर भी ओकेजनली जाना चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। अगर जैसे मैं बताता हूँ लोकल में, अब मैं हूँ जिसे कहता है फुल थ्रोटल जाने वाला आदमी, ठीक है, कि जो बाइक्स को बिल्कुल फुल थ्रोटल रखता है, तो मेरी ये बाइक अराउंड लोकल में 10-12 की एवरेज निकालती है। अच्छा, मतलब इतनी पुअर एवरेज है कि 10-12 की? बहुत बेकार है भाई, बहुत ज्यादा बेकार। इसकी जो लास्ट एवरेज मैंने निकाली है आज तक वो 22-23 है, वो भी जब 6th गियर में, इसको मैं अराउंड 100-120 बस क्रूज कर रहा हूं। क्रूज करने वाली बात है बस। और वो हाईवे की थी? हाईवे की होगी ऑब्वियसली जब आप क्रूज कर रहे हो। एवरेज थी और वो जब भी सबसे बेस्ट एवरेज आज तक वही आई है इसकी। कभी इस पे लॉन्ग टूर वगैरह कराओ या फ्यूचर में प्लानिंग हो? करा भाई, जनरली बताऊं मैं, पहले जब मैंने बाइक परचेज की थी मैं अंडर एज था, मेरे पास अभी लाइसेंस आया तो मैंने जस्ट अभी नॉर्मल संडे राइड से शुरू किया। वैसे आपकी एज क्या है? अभी मेरी एज 18 है करंट। अच्छा, अभी 18 की हो। तो देखो, हम ये चीजें तो प्रमोट नहीं करते कि आप अंडर एज लो, बट बाकी बाइक में इन्होंने बहुत सारे मॉड्स करा रखे हैं। तो ये साइड में जाना का है? हाँ। तो ये कैसा चल रहा है, मतलब आपने लगवाया होगा तो यही होगा कि अगर कभी खुदा ना खास्ता क्रैश होती है तो उसमें बचाए? मैंने ये लगवाया तो देखो क्रैश के लिए, और ये बच्चों ने एक बार गिराई थी तो ये थोड़ी बाइक बची भी है देखो। हाँ। बट क्वालिटी जो जाना देता है लोहे की, ये इधर से दिखाऊंगा आप, देखो मैं सबको, ये देखो वेल्ड करवाया था थोड़े दिन पहले, दोबारा वेल्डिंग टूट चुकी है, ठीक है, और ये रिपेंटेड है, ये रस्ट पकड़ चुके थे पूरे। अच्छा, ये पकड़ चुके थे? हाँ, ये रस्ट तो मेरी डोमिनार में भी लगे हुए हैं तो वो भी पकड़ ही रहे हैं, वो रिपेंट का तो कराने ही मेरे को। बट से ये वाला दिखाओगे, ये रिपेंट कराया था, ये दोबारा से रस्ट पकड़ना शुरू कर चुका है। ये तो है कि मतलब जाना के जो पुराने वाले थे ना, ये जो गार्ड थे क्रैश गार्ड, ये रस्ट पकड़ते थे, पर ये जो एक नई कहानी आई है, ये जो ट्विस्ट है कि ये टूट गया है, ये मैंने पहली बार सुना है। तो ये क्या मतलब, कितना टाइम में लगवाने के बाद टूट गया था? ज्यादा नहीं, 6-7 महीने में चला गया था, ठीक है, और मैंने इसको दोबारा से देख सकते हो वेल्ड हो रखा था ये। अब इसकी ये वेल्डिंग दोबारा से टूट चुकी है, अब ये मैंने नोटिस ही खैर आज किया, ये हवा में झूल रहा है। हाँ, तो इसको करा लेना क्योंकि ये हवा में थोड़ा झूलता हुआ दिख रहा है। प्लस ये जो चीज होती है ना, ये आफ्टर मार्केट होती है, ये ऐसे कंपनी से लगी भी नहीं आती, तो आप ये तो कॉस्मेटिक चेंजेस आप कुछ भी करा सकते हो। और यहाँ पर आ जाती है इसमें TFT, क्योंकि ये नया वाला मॉडल था, पुराने वाले मॉडल में तो वो छोटी स्क्रीन आती थी, तो TFT से मतलब क्या खुश हो या क्या मतलब बढ़िया है क्या ये? TFT का मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं कि इसमें ये है इसमें वो है, देखो पर्सनली बताता हूँ जब मैं किसी और बाइक के उसमें देखता हूँ, लगती तो बहुत अच्छी है, बट एज सच कोई ना इनका TFT का कोई इतना काम नहीं होता। हाँ, अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है। अब जैसे इसमें मैं बताया था, मेरे को सिर्फ जो इसका बेनिफिट मिलता है ना, कि जब मैं कभी राइड कर रहा होता हूँ तो मैं ईयरफोन्स लगा कर रखता हूँ, ठीक है, तो अब मैं उनसे उठा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो वायरलेस होते हैं, हेलमेट में लगे हैं, तो वो TFT से कॉल रिसीव हो जाती है, डिसकनेक्ट हो जाती है। बाइक में मॉड्स हैं बहुत सारे, जैसे सुपर मोटो वगैरह हो गया, तो बस वही सब चीज़ें हैं, मतलब कि अच्छी चीज़ है, बट हाँ इतना भी होनी कि कोई इंसान अगर TFT के लिए स्पेसिफिकली बाइक खरीदे। हाँ, मैंने कुछ सुना है कि लोग TFT के लिए मतलब घर वालों को बहुत ज्यादा कर देते हैं प्रेशर कि हाँ यही वाला मॉडल लेना है, इससे नीचे वाला लेना, कहने की बात होती है ना, घर वालों को दिखाना पड़ता है ना कि जो आप, हाँ उससे बढ़िया ये देखो ये है। हाँ, तो भाई ये 250 में भी अब यही वाला आ रहा है, मतलब पूरा ऐसी बॉडी आ गई है 250 में भी, सेम लुक आ गई है, बस उसमें TFT नहीं है, उसमें TFT। तो TFT का इतना काम नहीं होता, बस ये कुछ आपके फीचर्स हैंडी हो जाते हैं, आपको फोन आपने जब कनेक्ट कर लिया, बट वैसे तो मतलब आप देखोगे इसमें TFT आ रही है, जनरली डोमिनार में भी TFT नहीं है, उससे नीचे 250 V-Strom अभी मैंने चला के देखिए उसमें भी नहीं है, तो ऐसा कुछ काम नहीं होता। कोई ऐसा मॉड जो आप सोच रहे हो आगे कराना है इसमें या होना चाहिए था कंपनी के साइड से, क्योंकि इसमें शायद वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं अपना, क्विक शिफ्टर और ऑटो फ्लिपर नहीं है? हाँ, सच बताऊं उसकी कमी तो लगती है क्योंकि मैंने चलाई है जो नई वाली 3 नई वाले मॉडल है उसमें ये सब आता है, तो लाइक यूज करने में सब आसान तो है, बट मैं ओके हूँ, मैं रादर देन उसकी शिफ्टिंग से अच्छा मैं अपनी शिफ्टिंग पे ज्यादा ट्रस्ट रखता हूँ कि मैं उसके क्विक शिफ्टर से जल्दी शिफ्ट कर पाता हूँ बाइक को, तो मेरा ये सीन है, तो मैं ये सब तो नहीं सोचता कि ये सब कराना है, बट हाँ बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस मैंने कराने, और बाकी मैंने बाइक में ECU रिमैप का प्लान कर रखा है, और ये सब स्टेज 1 करनी है बाइक, तो लाइक परफॉर्मेंस और बढ़ाने के लिए। बट उसमें फिर माइलेज का और ड्रॉप नहीं आ जाएगा जो आप माइलेज कह रहे हो? यार माइलेज मेंटेनेंस है ना, वो उनको अफेक्ट करता है जिनकी बाइक डेली यूजेज में हो और जो चलाते बहुत है। अब मैंने 1.5 साल में बाइक 4,000 किलोमीटर चलाई है, तो समझ सकते हो कि मेरी रनिंग ना के बराबर है बाइक। तो अभी जब राइड कर रहे थे तो इसकी एग्जॉस्ट की आवाज मेरे को थोड़ी सी अलग लगी थी, तो इसका बताओ कि क्या करा रखा है, क्योंकि ये स्टॉक एग्जॉस्ट है। अगर आप बेसिकली देखो तो ये आप देखोगे खोखला एग्जॉस्ट पूरा, ठीक है, इसमें ये DB किलर रिमूव्ड है इसका,
लोग प्रेफर करते हैं कि लाइक एग्जॉस्ट लगा लो, तो मेरे को वो वर्थ नहीं लगते हैं 4-5 हज़ार रुपये का एग्जॉस्ट लगाना। लाइक अगर मेरे पास होंगे तो मैं लगा लूंगा, बट उस टाइम पे नहीं थे जब मेरे को आवाज सुननी थी बाइक से। तो अभी मैंने ये जस्ट 60-80 रुपए में निकला था डीबी क्लियर इसका गैस, तो इसको मतलब गैस वेल्डिंग करा के निकल, तो परमानेंट निकल गया ना वो चिपक थोड़ी सकता है। ये इसका एक ईयर ड्रॉबैक है कि अब ये एग्जॉस्ट कभी भी स्टॉक नहीं हो सकता बाइक की, ये परमानेंट आवाज हो चुकी है। हाँ तो आवाज बहुत अच्छी है, एक बार स्टार्ट करके भाई सुनाएगा। तो आइडल पे ये बात है, पहले मेरे ख्याल से नहीं थी, ये तो बेस वाली हो गई है आइडल पे। तो ये बहुत साइलेंट बाइक रहेगी और खाली उस पर आवाज करेगी जब आप इसको फुल थ्रॉटल करोगे, लिमिटर जब आप इसका लगाओगे। हाँ तो आवाज अच्छी हो गई सिंगल सिलेंडर के हिसाब से, और स्टॉक एग्जॉस्ट कभी भी आप निकलोगे ना क्लच दबा के साइलेंट हो जाती है। हाँ। क्लच दबा के साइलेंट हो जाती है, तो इतनी दिक्कत नहीं है। प्लस ये सिर्फ एक 60-80 रुपए का काम हुआ है बाइक में, और इसका मैं एक आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना, जब हम ऐसे गुड़गांव वगैरह आते हैं तो टनल्स में ना ये बाइक लिटरली फाड़ कर रख देती है बाइकों को, जो रिएक्शंस आते हैं इसके, और जितनी लाउड ये हो मतलब मुड़ के देखते हैं लोग कि ऐसी कौन सी बाइक जा रही है कि मतलब इनलाइन फोर की भी आवाज नहीं लग रही और सिंगल की भी नहीं लग रही, बीच की आवाज कहीं लग रही है, अलग ही साउंड निकाल रही होती है उस टाइम पे और बहुत लाउड हो जाती है इनफैक्ट। एक दो सवाल और थे वीडियो एंड करने से पहले, तो एक बार ब्रेकिंग बता दो, ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग भाई अगर मेरे से कोई 10 में से रेटिंग पूछे तो मैं 7 दूंगा, क्योंकि ब्रेकिंग अच्छी है नो डाउट, बट उतनी नहीं है जितनी इस बाइक को चाहिए थी। जिस लेवल से कंपनी ने इस बाइक की पावर बनाई है या उस लेवल से कंपनी ने उसकी ब्रेकिंग पर काम नहीं किया बिल्कुल भी, ये तो मैं सीधे सीधे कहूँगा, क्योंकि बाइक का जो ब्रेक है वो आपका फ्रंट ब्रेक है, रियर ब्रेक तो आपका हाई स्पीड में आप लगाओगे ना तो आपको स्पीड में भी फर्क नहीं नोटिस करेगा कि बाइक रुक भी रही है या नहीं रुक रही है। और इसका जैसे वेट कम है 160-170 किलो है। हाँ, इतनी जो कर्ब वेट है, तो जब आप मैक्सिमम कितनी ले जा चुके हो? मैं इसको अभी तक लास्ट 170 टच कर चुका। 170 हाँ। तो क्या मतलब पूरे हिल जाते हो या दबके चलती है, रोड को चिपक के चलती है, क्या होता है? 170 वाला केस एक ही बार हुआ है आज तक लाइफ में कि मैंने इसको 170 लगाया। उससे पहले क्या होता है कि या तो हवा अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है, विंड ब्लास्ट जो होता है ही नहीं पाती है उतनी। अच्छा ठीक है। और प्लस इसका एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना नेकेड होने का, और ये प्लस हल्की है, तो अगर आपकी कहीं चौड़ी रोड है और आप स्पीडिंग करोगे ना तो बाइक 150 प्लस जाती है ना, वोबल करेगी बहुत गंदा, मतलब तो मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते उस वोबल। डर तो लगता होगा कि हाँ बस अब हिल रही है, पूरी हिल रही है, वो आपको ब्रेक लगाने पे मजबूर कर देगी, ऐसी कांपेगी भाई। और वाइब्रेशन कैसी होती है, मतलब अगर मैं 110-120 पे बाइक को क्रूज करूँ तो वाइब्रेशन बताओ, अगर किसी को लॉन्ग ट्रिप करना हो इस पर तो? वाइब्रेशन एज कम्पेयर टू इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके हिसाब से तो ओके है वाइब्रेशन, इतनी कोई आप कंप्लेन नहीं करोगे। अगर आप इसको 6th गियर पे आराम से इसको क्रूज कर रहे हो लॉन्ग टूर पे तो वाइब्रेशन नहीं है। तो इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू, और एक बार पीयूष बता दे कि मतलब बाइक को कितनी रेटिंग देगा तूने इतनी चला लिया। अगर मेरे से कोई 10 में से पूछे तो कीपिंग ऑल द नेगेटिव असाइड इस बाइक के, मैं इस बाइक को 10 में से 11 तक रेट कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने उम्मीद की थी ना इस बाइक से, ये बाइक उससे भी ज्यादा पावरफुल निकली, और लाइक मैं आज की डेट में इतना खुश हूँ डिसीजन से कि मैंने इस बाइक को परचेज किया, तो फॉर मी इट्स लाइक। और अगर नेगेटिव्स वगैरह जितनी हमने अभी तक 10 मिनट में बात करी है उन सबको अगर मिक्स करके रिव्यू देना हो 10 में से कितना दे देगा? देन आई विल गो फॉर 9/10 9 out of 10 बाइक्स में कमियां है, कमियां है, बट ये है कि मतलब एक तो बाइक सुंदर लगती है, 390 में परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, जो पावर या डिलीवरी दे रही है वो अच्छी है, और बाकी जो बाइक से जैसे डोमिनार हो गई बाकी सब हो गई तो उनसे ये ब्रेक्स इसकी ज्यादा अच्छी है। डोमिनार की ब्रेक्स तो पीछे की उसको तो भूल जाओ, बट इसकी ब्रेक ज्यादा अच्छी है और बाइक कुछ ऐसी दिखती है, ज्यादा मॉड्स इसमें हो नहीं रखे। और इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले किसी और ओनरशिप रिव्यू में, और चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।